इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं बल्कि आतंकिस्तान है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इसमें समझने वाली वो यह है कि वह पाकिस्तान जिसका लगभग 140 रुपए एक डॉलर के बराबर जो अपने लोगों की प्राथमिक जरूरतें जैसे पीने तक का पानी भी मुहैया नहीं करा पा रहा है, उसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है कि वो टेरर में फंडिंग कर सके, कहां से इतना पैसा आ रहा है कि वो एक स्लीपर सेल से लेके ऑपरेशन हेड तक को टेरर के लिए फंड करे। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, कैसे पाकिस्तान इन सब गतिविधियों में सक्सेसफुल हो जाता है, कहां से उसकी फंडिंग होती है, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक पर इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी, दूसरे के कंधे पर बंदूक को रखकर गोली चलाना। ऐसा ही कुछ काम करता है चीन। अगर आज हम बात करें तो दुनिया के लगभग सारे छोटे बड़े देश भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं, लेकिन एक ऐसा बड़ा देश जो कि पाकिस्तान के साथ खड़ा है वो है चीन। तो यह बात सिर्फ भारत को ही नहीं दुनिया के सारे देशों को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान तो सिर्फ एक मोहरा होता है, इसकी चाल चली जाती है चीन के द्वारा। तो अब सवाल खड़ा होता है कि चीन को क्या मिलेगा भारत में ऐसी आतंकवादी गतिविधियों कराने के बाद। तो देखिए, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। दुनिया जानती है कि चीन और भारत विश्व की सबसे दो बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और इनकी जीडीपी ग्रोथ सबसे आगे है, दुनिया के सारे देशों से आगे है। लेकिन पिछले दिनों की अगर हम बात करें, पिछले सालों की अगर बात करें, तो चीन भारत से आगे चल रहा था, लेकिन 2014 के बाद से भारत ने चीन को पछाड़ना शुरू कर दिया और अभी भी चीन भारत से पीछे है। वर्ल्ड बैंक की माने तो 2021 तक भारत चीन से कई ज़्यादा आगे निकल जाएगा, और कहीं ना कहीं ये बात चीन को चुभती है और वो चाहता है कि वो भारत से आगे बना रहे, इसी वजह से वो भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करवाता है। सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों द्वारा ही नहीं, चीन और भी कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर चीन भारत के आड़े आता है, तो उन पर भी हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें जैश ए मोहम्मद की, जी हाँ, ये वही आतंकवादी संगठन है जिसने भारत में श्रीनगर में CRPF जवान पर आतंकवादी हमला करवाया, और इसके पहले भी वो कई छोटे बड़े हमले करवा चुका है। अगर हम बात करें पठानकोट की, तो पठानकोट का हमला भी जैश ए मोहम्मद ने करवाया था। जैश ए मोहम्मद ने जैसे ही पठानकोट में हमला करवाया था, उसके बाद भारत ने यूनाइटेड नेशंस से गुजारिश की थी, अपील की थी कि जैश ए मोहम्मद का जो हेड है मसूद अजहर को आतंकी घोषित किया जाए और उसको बैन किया जाए। उस टाइम भी चाइना ने अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस आतंकवादी को आतंकवादी घोषित नहीं होने दिया। इसके बाद भी भारत ने तुरंत यूनाइटेड नेशन से बात की थी और बताया था कि ये जो घटना हुई है इसका श्रेय खुद जैश ए मोहम्मद के संगठन मसूद अजहर ने लिया। उसने खुद बताया कि ये घटना हमने करवाई है, और भारत ने अपील की कि उसको तुरंत के तुरंत आतंकी घोषित किया जाए, उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। लेकिन फिर चीन ने एक बार अपनी वीटो पावर का यूज करके मसूद अजहर को आतंकी घोषित होने से रोक दिया। इनमें से डोकलाम का मुद्दा भी एक है। डोकलाम एक ऐसी जगह है जहाँ पर भारत और चीन की सीमा है। चीन वहाँ सड़क बनाना चाहता है और भारत इसके अगेंस्ट है। और इस पर अभी आपने देखा होगा पिछले साल दोनों देशों के जवान एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा बातचीत से निपटा दिया गया। लेकिन ये बात चीन को छुभी कि भारत पीछे क्यों नहीं हटा और उसको सड़क बनाने से क्यों रोक दिया। तो यही भी एक मुद्दा है जिससे चीन भारत से चिढ़ता है। NSG भी एक मुद्दा है, भारत भी NSG का सदस्य बनने जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं चीन ने उसका विरोध किया जिससे भारत NSG का सदस्य नहीं बन पाया। NSG एक ऐसा संगठन है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसमें अगर भारत सदस्य बन जाता है तो न्यूक्लियर से रिलेटेड जितनी भी डील्स हैं वो कई देशों के साथ वो कर सकता है, जिससे भारत को कई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बिजनेस को लेकर, न्यूक्लियर बिजनेस को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीन की वजह से सदस्यता भारत को नहीं मिल पा रही है। मेरा ये सब बताने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आतंकवाद को ख़त्म करना है, अगर भारत को आगे लाना है, तो हमें पाकिस्तान के साथ साथ चीन का भी विरोध करना पड़ेगा। और यह काम सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का ही नहीं, हर एक उस जिम्मेदार नागरिक का है जो अपने आप को भारतीय समझता है। अगर हम चीन को डायरेक्टली नहीं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपने कई तरीकों से चीन को कमज़ोर कर सकते हैं। छोटे छोटे तरीकों से उसको कमज़ोर करेंगे, हम 130 करोड़ तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सूल बन सकता है। आज अगर हम बात करें तो भारत के हर छोटे घर से लेके अंबानी के घर तक चीन ने कहीं ना कहीं अपना प्रोडक्ट सेट कर रखा है। आप किसी भी घर में चले जाएं, आपको चीन का कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल ही जाएगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम चीन के प्रोडक्ट यूज करना बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन हम अपने भारतीय प्रोडक्ट का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे इन सबसे हमारे भारत को भी एक मजबूती मिलेगी, भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, जो हमारा पैसा होगा वो भारत के काम आएगा, हमारा पैसा, हमारे प्रोडक्ट का पैसा, भारतीय प्रोडक्ट का पैसा भारत की गवर्नमेंट के ही काम आएगा। तो मैं तो सिर्फ आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर कोई चीज़ आपको चीन के प्रोडक्ट से 2 रुपये महंगी भी मिल रही है और अगर वो भारतीय है और वो इंडियन प्रोडक्ट है, तो आप उसको खरीदिए। कहीं ना कहीं ये आपका योगदान भारत के काम आएगा, भारत को शक्ति देगा। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।